हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक पे बात करने वाले वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। उसके एक्शन के बारे में, उसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं और कुछ क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें वो बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है, उस क्लिनिकल कंडीशन की बात करेंगे और पेशेंट एज ए सिम्टम के रूप में क्या बोलता है उस सिम्टम की भी हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है लुफोलुटियम। लुफोलुटियम जो कि एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जैसे मैंने पहले बताया। ये जो प्लांट होता है ये मोस्टली पानी में ही पाया जाता है, यानी कि तालाब में या जो शैलो वाटर होते हैं वहाँ पे ये देखा जाता है मोस्टली। इसको नॉर्मली हम येलो पॉन्ड लिली भी कहते हैं, येलो पॉन्ड लिली के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके जो पार्ट्स यूज होते हैं वो इसके रूट होते हैं, इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ों का उपयोग इस होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। अब जानते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन क्या होता है कि जो क्लिनिक्स में जिस डिजीज पे ये मेडिसिन सबसे अच्छा इफेक्ट दिखाती है, डैट इज क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन में सबसे जो कॉमनली देखे जाते हैं इसके जो एक्शन, वो है डायरिया की कंडीशन में। डायरिया में बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है ये लुफोलुटियम। दूसरा जो कंडीशन है इम्पोटेंस, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं नपुंसकता, यानी कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर इनएबिलिटी है, डिजायर एब्सेंट है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है। तीसरी जो कंडीशन है वो है सेमिनल एमिशन। सेमिनल एमिशन का मतलब क्या होता है कि विदाउट कॉन्शियसनेस अगर आपका सीमेन बाहर निकल जाता है, डैट इज सेमिनल एमिशन। इस तीन कॉमन जो कंडीशन है जो मुख्यतः जो क्लिनिक्स में देखे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। अब जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यानी कि इस मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से अलग करने का काम करते हैं। उसमें जो कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है येलो डायरिया, यानी कि अर्ली मॉर्निंग येलो डायरिया। सुबह के समय में डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है। डायरिया क्या होता है कि डायरिया अगर आपको 2 से 3 बार स्टूल हो जाता है, वो भी लूज स्टूल, उसको हम डायरिया की कंडीशन बोलते हैं। तो येलो डायरिया वो भी अर्ली मॉर्निंग में बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन है। और उसका जो टाइमिंग रहता है वो लेके 4 बजे से लेके 6 बजे, यानी कि सुबह के 4 से 6 के बीच में अगर डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है, वो उसका जो स्टूल का कलर होता है येलो होता है, डेट इज बहुत ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ये इस मेडिसिन के। दूसरा जो कंडीशन देखने को मिलता है इम्पोटेंसी, यानी कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। डिजायर उनके अंदर रहती है लेकिन वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते, उस कंडीशन में भी बहुत इसके अच्छे ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि बाकी मेडिसिन से इसको अलग करने का काम करता है। एक और इसमें डायरिया की कंडीशन में सिम्टम देखने को मिलता है कि टाइफाइड के समय डायरिया, यानी कि टाइफाइड से पेशेंट सफर कर रहा हो उस कंडीशन में अगर डायरिया डेवलप होती है, उस फेज में अगर डायरिया डेवलप होती है तो उससे बहुत ये इफेक्टिव वहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है एक्सेस डिप्रेशन ऑफ द जेनिटल ऑर्गन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, उदास, एकदम उदासीन, यानी कि सेक्सुअल जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में बहुत इसके अच्छे वहाँ पे एक्शन देखे जाते हैं। ये कुछ सिम्टम है जो इस मेडिसिन को बाकी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको कैरेक्टराइज करते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टिकुलर पार्ट पे इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि पार्टिकुलर पार्ट पे इसके सिम्टम वहाँ से क्या क्या आपको मिलेंगे। माइंड, पहला मन, मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। नर्वस वीकनेस बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है इस पेशेंट में, और नर्वस वीकनेस के कारण ही बहुत ज़्यादा जो जेनिटल की प्रॉब्लम है, यानी कि इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे डेवलप हो रही है। नर्वस वीकनेस कहा जाता है कि दिमागी कमजोरी। दिमाग कमजोर कब होता है कि जब आप ज़्यादा किसी थॉट को ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ में आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो मन होता है, आपका जो मन जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी बॉडी पे इफेक्ट वहाँ पे शुरू होता है। डॉक्टर हैनीमैन साहब भी बोलते थे कि अगर आप जैसा सोचोगे, इल हैबिट, इल नेचर, इल थिंकिंग जो होता है बहुत सारे डिजीज का कारण बनता है। सो अगर आपका दिमाग सही रहेगा तो आपके बहुत सारे बॉडी के फंक्शन सही रहते हैं। आपकी बॉडी में जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, आपकी बॉडी में जितने इंजाइम के सिक्रेशन होते हैं, उन सब का रेगुलेशन जो होता है आपके माइंड से होता है। और सेक्सुअल फंक्शन में भी सबसे जो मुख्य जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन, इन सब का सिक्रेशन आपके माइंड से ही कंट्रोल होता है। तो आप जैसा सोचोगे, आपकी थिंकिंग जैसा रहेगी, वैसा आपके बॉडी में वैसा एक्शन दिखता है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छे विचार का प्रभाव हमेशा बॉडी पर अच्छा ही होता है।
नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है एक्सेस मोरल सेंसिटिविटी, यानी कि मोरली बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन होता है, कोई इसको कुछ बात भी कह देता है तुरंत ये अफेक्ट हो जाता है। अगर आप मोरल सेंसिबल हैं यानी कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं मोरली, तो आपको कोई भी आपको परेशान कर सकता है, कोई भी आपको कुछ बोल सकता है, आप उसको सोचने लग जाओगे और उसके कारण आपके बॉडी में बहुत सारे डिजीज पैदा हो सकते हैं, डिजीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो मोरल सेंसिबल होना सही बात है, लेकिन एक्सेस मोरल सेंसिबल जो होता है आदमी वो पूर्ण रूप से गलत है। इस मेडिसिन में वही है कि एक्सेस मोरल सेंसिटिविटी देखी जाती है। स्टूल और एनस में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को यानी कि स्टूल करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है एनस के पास, यानी कि जो मलद्वार होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रेक्टम में इसको लगता है कि कोई सुइयां चुभ रहा है, वैसा इसको फील होते रहता है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इसको परेशानी उसके कारण वो वहाँ से सफ़र करता है। अब आते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन, जहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा अच्छे एक्शन देखे जाते हैं। उससे जो पहला कंडीशन है इम्पोर्टेंसी की कंडीशन, यानी कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। उनके अंदर इच्छाएं रहती हैं, डिजायर रहता है, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटरकोर्स नहीं कर पाते। उसका जो सबसे जो मेन लॉजिकल जो कारण है नर्वस वीकनेस, जो हमने पहले बात की माइंड में नर्वस वीकनेस के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होती है। इसलिए ज़्यादा थिंकिंग करना, किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा अपना दिमाग लगाना वो बेटर नहीं होता, क्योंकि उसके कारण आप जैसे थिंकिंग करते हैं गलत थिंकिंग से आपकी बॉडी पे गलत इफेक्ट आते हैं। सो अगर आपको अगर थिंकिंग को वहाँ पे अगर आप सुधारेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम वहाँ पे इम्पोर्टेंसी जैसी प्रॉब्लम भी वहाँ पे खत्म हो सकती है। दूसरा जो कंडीशन देखने को मिलता है एस्पर्मेटोरिया खासकर अभी यंग जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अनकॉन्शियसली स्पर्म का बाहर निकल जाना, ये नाइटफॉल कॉमनली लोग कहते हैं कि नाइटफॉल हो गया। नाइटफॉल ड्रीम के साथ भी हो सकता है, विदाउट ड्रीम भी हो सकता है। नाइटफॉल की कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है, उसके कारण जो वीकनेस डेवलप होता है बॉडी पे, उसके जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं उसको ठीक करने में लूफर लोटियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वहाँ पे। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है कि जब भी पेशेंट स्टूल को जाता है, जब भी यूरिन करने जाता है, उसके पेनिस से स्पर्म बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव दवा है, खासकर जो यंग लोगों में ये कॉमनली सिम्टम देखने को मिलता है कि यूरिन के लिए जाते हैं, स्टूल के लिए जाते हैं, तो उनका स्पर्म बाहर निकल जाता है, उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव दवा है वहाँ पे। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके टेस्टिकल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, बहुत पेशेंट आते हैं उनके टेस्टिस में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसके साथ साथ पेनिस में भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उसका जो मेन कारण यहाँ देखने को मिलता है इनवॉलेंट्री जो इमिशन हो जा रहा है, यानी कि स्टूल जाते समय, यूरिन जाते समय, इसके कारण जो होता है टेस्टिकल्स जो एग्जॉस्ट होता है, पेनिस एग्जॉस्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पे पेन डेवलप होती है। तो इन सारे कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। नूपर लुटियम का प्रयोग करेंगे तो सेक्सुअल रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी से चली जाएगी। दूसरी जो हमने बात की कि आपका माइंड, आपके माइंड को सही करना पड़ेगा, आप जैसा आपका माइंड करोगे वैसे आपकी बॉडी पे इफेक्ट आते हैं। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम, खासकर जो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे आपको छुटकारा पाना है तो आपको अपनी सोच को आज से बदलनी शुरू करनी पड़ेगी। ये वीडियो यहीं तक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भूमिपा।